या, आई थिंक वॉइस इज क्लियर सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल कैसे हैं सभी लोग हाउ आर यू ऑल सो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवान सभी लोग जल्दी से जल्दी आ जाओ सेशन को शेयर कर दो फटाफट सेशन को फटाफट शेयर कर दो सेशन को फटाफट शेयर कर दो नाउ माय डियर फ्रेंड हम बात कर रहे हैं अपने मशीन डिजाइन में सबसे आखिरी चैप्टर आखिरी लेक्चर जिसको हम बात करते हैं साफ्ट की कपलिंग ये लास्ट टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक जो है आपका आज फ्राइडे और कल तक की कोशिश कर रहे हैं हम इसको कंप्लीट करने की ठीक है दो दिन में इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की जाएगी इसको ध्यान रखिएगा ठीक है तो एक बार फटाफट -पड़ सभी लोग जल्दी से जल्दी आ जाइए सभी लोग इसको जल्दी से जल्दी आ जाइए चलिए तो साफ्ट की कपलिंग के बरसात करते हैं स्टार्ट करते हैं टॉपिक को लास्ट चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा दो से तीन दिन मैक्सिमम दो दिन मतलब आज और कल में खत्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी अगर नहीं हुआ तो एक क्लास और मैक्स टू मैक्स ठीक है चलिए भाई शुरुआत करते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माय सेल्फ सो हेलो एवरीवन दिस इज आलोक झा फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड वेरी वेलकम टू ऑल दिस यूट्यूब चैनल गेट एम पी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए बेलाइकन का बटन दबाइए हमारे साथ जुड़ जाइए नाउ माई डियर

अगर आप प्लस या आइकॉनिक में से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अगर आप प्लस या में कोई भी लेना चाहते हैं, तो आप मेरा आलोक लगवा सकते हैं दिस इज द डिस्काउंट कोड और अगर मैं बात करना चाहूँ डियर आलोक लाइव लगाकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ठीक है ना आलोक लाइव लगाकर आप हमारे साथ सही तरीके से जुड़ सकते हैं डियर ठीक है ना प्लस uh, लोगे तो यहाँ मैजिकल लाइव क्लासेस रहेंगे प्रोवाइड बैच इंग्लिश हिंदी बैचेस डाउट सॉल्विंग सेशन जहां बोल कर ही अपने डाउट क्लियर कर सकते हो आप वीकली टेस्ट देन क्रैश कोर्स ये सारी चीजें आपको यहाँ मिलती है प्लस के प्लेटफॉर्म पे आइकॉनिक लेते हो तो आपको प्लस का पूरा फायदा देन पर्सनल कोच डाउट सॉल्विंग सेशन स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस सेट ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलती है अगर आप प्लस लेते हो तो आपको कम सुविधाएं मिलेंगी तो उतनी मिल जाएंगी जितने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा आइकॉनिक वो बच्चा ले जिसको पर्सनल गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है जिसका एकदम बेस एकदम हिला हुआ है बेस एकदम मतलब बिल्कुल ही मजबूत नहीं है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ तो डियर आप यहाँ प्लान कर सकते हो बारह महीने अठारह महीने या चौबीस महीने का प्लस के अंदर पर मत फीस पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं डियर ध्यान रखिएगा सो प्लीज सेशन को शेयर कर दीजिए एंड डाइज आइकॉनिक में भी आप हमें देख सकते हो पर मंथ फीस के साथ हमें पे करके आप ज्वाइन कर सकते हो ठीक है चलो भाई स्टार्ट करते हैं कोड है आलोक लाइव याद रखिएगा डिस्काउंट कोड ठीक है ना आलोक लाइव है तो सब पॉसिबल है जैसे आज मैं इस बीमारी की हालत में भी मतलब अभी मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ आपको मेरी आवाज से ही लग रहा होगा ठीक ना आज इस सिचुएशन पे भी अगर आपको पढ़ाने आया हूं तो रीजन यही है सिर्फ किसी बच्चों का टाइम लॉस नहीं होना चाहिए उनको पढ़ाना है दैट्स इट

तो आपके पास समय बहुत कम है वेरी लेस टाइम वेरी लेस टाइम तो आप जल्दी से जल्दी इस चीज को ज्वाइन कर लीजिए चलिए भाई साफ्ट की कपलिंग शुरुआत करते हैं सीधे साफ्ट में चलते हैं अच्छा सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा साफ्ट, साफ्ट की डिजाइनिंग पढ़ाऊंगा देन देन की की डिजाइनिंग कपलिंग की डिजाइनिंग इसीलिए मैंने यहां तीन दिन लिया था कि एक दिन में साफ्ट की डिजाइनिंग एक दिन में की, की डिजाइनिंग एक दिन में कपलिंग की, की डिजाइनिंग ऐसे कर सकते हैं अपन ठीक है मेरी आवाज आ रही है ना आप तक मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है एक बार बताइएगा ठीक है चलो भाई साफ़ की बात करते हैं बिल्कुल 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 चलो 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 सीधे टॉपिक पे आते हैं सीधे टॉपिक पे आते हैं कोई इधर उधर नहीं सीधे टॉपिक पे बात होगी ठीक ना एक घंटे क्लास चले चाहे जितना भी चले डेढ़ घंटे चले ठीक ना जितनी ताकत रहेगी उतना तो पढ़ाएंगे ही साफ्ट अगर मैं साफ्ट की बात करूं तो साफ्ट क्या होता है अगर मैं एक बेसिक बात करूं साफ्ट क्या होता है इस चैप्टर इस को हम क्यों पढ़े देखो बेटा डिजाइन ऑफ साफ्ट जो है ना ये क्वेश्चन तो आता है गेट में क्वेश्चन इन गेट रहेगा ही रहेगा बट बच्चे क्या सोचते हैं ये सोम से आ गया लेकिन कुछ बच्चों को पता चल पाता है कि ये मशीन डिजाइन का क्वेश्चन है ठीक है ना मशीन डिजाइन और सोम में ये वर्ड क्या है कॉमन है ठीक है ना ध्यान रखिएगा क्योंकि डायमीटर निकालने को आएगा तुमको लगेगा अरे ये तो सोम का क्वेश्चन है इसीलिए तुम लोग कहते हो साफ्ट तो आता ही नहीं ठीक है इसीलिए तो अब चलो बात करते हैं बेटा क्या है साफ्ट का का काम क्या होता है डियर साफ्ट काम क्या होता है अच्छा आपको मैं लास्ट बता भी देता हूँ थोड़ा हिस्ट्री बता देता हूँ 2016, 2017, 2018 एंड 2021 मतलब 2017, 18 सॉरी 16, 17, 18 एंड देन 2021 साफ्ट के डिजाइन ऑफ साफ्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए कह रहा हूं ध्यान से कर लो ध्यान से कर लो इसको ठीक ना आप लोगों को लगता है वो सोम का क्वेश्चन है ठीक है ना बट ये रहता साफ्ट का ही है एमडी uh, का ही है मशीन डिजाइन का ध्यान रखिएगा साफ्ट क्या है साफ्ट इज यूज्ड टू ट्रांसमिशन ऑफ द टॉर्क एंड पावर साफ्ट का, का काम ही क्या है ठीक है ना साफ्ट का, का काम ही क्या है टॉर्क को ट्रांसमिट करना एंड बेंडिंग मोमेंट को ट्रांसमिट करना जब भी आपने पढ़ा बियरिंग आपने पढ़ा जी सर बियरिंग पढ़ा बियरिंग क्या पढ़ा सर एक साफ्ट होता है साफ्ट के कॉर्नर पे बियरिंग लगा होता है और जब साफ्ट फ्लक्चुएट करता है जब रोटेट करता है जब बहुत तेजी से तो साफ्ट के अंदर टॉर्सन होता है और साफ्ट ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है बेंड कर सकता है जब साफ्ट के अंदर टोर्सन और बेंडिंग होती है तो क्या क्या पढ़ते हैं वाइब्रेशन के अंदर पढ़ा था विरलिंग स्पीड ऑफ द साफ्ट याद होगा सांप के अंदर विरलिंग मोशन होता है ठीक है सर? अच्छा, सांप के अंदर जब विरलिंग मोशन होता है, तो हमारा सांप बैंड हो चुका होता है और फिर घूम रहा होता है ठीक है ना सांप अगर सीधा घूम रहा है, तो नहीं है थोड़ा सा बेंड फिर रोटेट कर रहा है ये देखो। ये सीधा अगर ऐसे रोटेट करे तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर ये थोड़ा सा बैंड हो जाए और ऐसे रोटेट करे तो इसको इसके अंदर आएगा क्या विरलिंग स्पीड आएगा ठीक है ना खैर हम यहाँ विरलिंग स्पीड की बात नहीं करेंगे बट मैं यहां आपको ये बताऊंगा कि जब साफ्ट में विरलिंग स्पीड होता है तो साफ्ट में कंबाइंड लोडिंग लगता है ठीक ना टॉर्सन बेंडिंग दोनों लगता है तो आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूं हम किस हिसाब का साफ्ट बनाए जो हमारा कैसा भी परिस्थिति आ जाए हमारा साफ्ट टूटे ना हमारे साफ्ट का हिम्मत ना टूटे कैसी भी परिस्थिति आ जाए हमारे साफ्ट का हिम्मत ना टूटे चलिए देखते हैं ठीक है ना यस ट्रांसमिशन ऑफ टॉर्क का मतलब ही है कि साफ क्या करता है टॉर्क के थ्रू पावर ट्रांसमिट करता है कैसे बता दिया सर साफ का काम क्या है साफ ए रोटेटिंग मशीन एलिमेंट अगर साफ्ट रोटेटिंग मशीन एलिमेंट है दैट इज ओमेगा ओमेगा क्या हमारा रोटेटिंग मशीन एलिमेंट है ठीक है ना टॉर्क ट्रांसमिशन ऑफ द टॉर्क है ही और ओमेगा हमारा क्या है एंगुलर एंगुलर तो पावर क्या होता है बेटा पावर क्या होता है बेटा टॉर्क इंटू ओमेगा पावर क्या होता है बेटा टॉर्क इंटू ओमेगा इस चीज को ध्यान रखिएगा पावर क्या होता है टॉर्क इंटू ओमेगा तो इसीलिए लिखा है साफ्ट इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग टॉर्क साफ टॉर्क ट्रांसमिट करता है जिसके कारण पावर भी ट्रांसमिट हो जाता है एंड बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग मोमेंट तो साफ्ट में हो जाता है ठीक है ना ध्यान रखिएगा तो साफ में दो चीजें आपको देखने को मिली एक टॉर्क एक बेंडिंग मोमेंट और मैंने आपको एक चीज बताया कि साफ्ट में एक समय आता है जब कंबाइंड होता है ये दोनों कंबाइंड टॉर्सन टॉर्सन बोले टॉर्क बोले तो टॉर्सन ठीक ना एंड बेंडिंग दोनों एक साथ लगता है तो साफ्ट को डिजाइन करने के लिए ना हमें तीनों क्राइटेरिया को पढ़ना पड़ेगा

तो कुछ चीजें आपको और एक्स्ट्रा सीखने को मिलेंगी चलिए द इज यूज टू ट्रांसमिट द द द द टॉर्क एंड एंड पावर बेंडिंग वेरियस मेंबर्स आर माउंटेड ऑन ऑफ की इसका मतलब क्या है साप के ऊपर ना बहुत सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं जैसे गियर चढ़ा दिया साप के ऊपर पुली लगा दिया आपने देखा होगा एक ऐसे साफ्ट होता है उसके ऊपर पुली चढ़ा देते हैं और बेल्ट ड्राइव से पावर ट्रांसमिट कर देते हैं तो साफ के ऊपर जो होता है ना कोई कई को, सारी चीजें चढ़ाई जाती है अच्छा जब साफ्ट के ऊपर कोई कई सारी चीजें चढ़ाई जाती है ना तो उसके बीच में की लगाया जाता है की क्यों लगाया जाता है अब देखो बेटा ले लिया इसका का जो है मान लो मैंने ले लिया टू ट्वेंटी मान ले एक बात बता रहा हूं मान लो मैंने एक बात बता दिया ये चलो 200 एक देते मान लो ये तो बहुत ज्यादा बोल दिया मेरे को भी पता है बट तो मैं एक बात बता रहा हूं मान लो मैंने एक ऐसा मोटा सा साख ले लिया जो 200 mm का डायमीटर अच्छा अब मान लो मैंने एक गियर लिया जिसका डायमीटर 250 mm है गियर लिया गियर गियर का जो होल है बीच में यहाँ साफ़ को डालने के लिए तो इनर डायामीटर गियर का जो है ये डायामीटर ये है मान लो ढाई सौ या दो सौ पच्चीस फिट नहीं होगा सही से फिट नहीं होगा ठीक है ना तो ये इसके अंदर सही से फिट नहीं होगा आपने आपको याद होगा आपने मेट्रोलॉजी आपने मेट्रोलॉजी में पढ़ा होगा प्रोडक्शन प्रोडक्शन मेट्रोलॉजी में पढ़ा होगा लिमिट फिट टॉलरेंस फिट वर्ड आता है ना जी सर फिट आता है लिमिट अलग फिट की बात कर रहा हूं टॉलरेंस की नहीं फिट की बात कर रहा हूं क्या ये इसके अंदर फिट होगा क्या ये होल इस साफ्ट के अंदर फिट होगा नो no. तो क्या करेंगे क्या करेंगे सर यहां हम की लगाएंगे या तो की लगाओ या तो नया गियर लेकर आओ तो सर इतना झंझट नहीं झेल सकते की लगाओ ज्यादा बेटर है तो 25 एम mm एम की जो गैप है ना वो मेंटेन कौन करेगा की करेगा आपने कभी सोचा कि सर टॉपिक का नाम साफ्ट की एंड कपलिंग ही क्यों है आप में से किसी ने कभी सोचा टॉपिक का नाम साफ्ट की एंड कपलिंग क्यों है मैं आपको बताता हूं टॉपिक का नाम साफ्ट की एंड कपलिंग क्यों है सुनिएगा देखिए साफ्ट जो होता है ना वेरी 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 लॉन्ग साफ्ट जो होता है ना साफ्ट जो होता है ना डियर साफ्ट इज वेरी 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 लॉन्ग बहुत लंबा साफ्ट होता है इतना लंबा साफ्ट होता है कि साफ्ट को जब रोटेट कराते ना तो गारंटी है कि खतरनाक वाली बेंडिंग आएगी ऐसा हो जाएगा खतरनाक वाली बेंडिंग आ जाएगी तो बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं सांप को टुकड़ों में काट देते हैं जैसे सांप को मान लो तीन टुकड़ों में काट दिया इसीलिए क्वेश्चन बोला जाता है कि सांप की जो मैक्सिमम लंबाई होती है ना वो आठ मीटर से बड़ी नहीं होनी चाहिए ठीक ना अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट कर रहे हो तो पंद्रह मीटर इससे वो तो बहुत खतरनाक बोल दिया आठ मीटर से बड़ा मत साफ की जो लंबाई है ना वो ज्यादा ज्यादा कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम मीटर मीटर कर दो ठीक ना ध्यान रखिएगा का रखते हैं इससे बड़ा साफ नहीं रखते अच्छा साफ को टुकड़ों में क्यों काट दिया इतना अच्छा तो था सिंगल साफ्ट तक क्या जरूरत थी काटने की बेटा अब सुनो जब मैं टुकड़ों में काटूंगा तो इस साफ्ट का जो साफ्ट वन है

जैसे साफ टूटे ना साफ़ मुड़ ना जाए साफ़ खराब ना हो जाए थोड़ा बहुत होगा चलेगा ठीक ना अच्छा अब बात आ गई कि आपने साफ़ को तीन पोर्शन में कट किया है जो आपने कट किया तो साफ को जोड़ेंगे भी आप या सर जोड़ेंगे ना कैसे जोड़ेंगे सर साफ यहां लगाएंगे कपलिंग क्या लगाएंगे बेटा कपलिंग ये क्या बेटा सर ये है साफ ये है साफ्ट ये है कपलिंग आपको क्या लगता है कपलिंग तो हर तरीके के साफ के लिए अलग अलग आता है आपको क्या लगता है कि हर पेन का ढक्कन अपना अपना आता है जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पेन है ये ठीक है ना अब ये पेन है तो इस पेन का एक ढक्कन है आपको क्या लगता है जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई तो हर पेन के लिए अपना अपना ढक्कन बना नो no. ये जो मैन्युफैक्चर होगा ना मास प्रोडक्शन होगा इस ढक्कन का इतना मैन्युफैक्चर होगा इतना तरीके से होगा अलग अलग थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर नीचे उपर नीचे होता रहेगा इसमें भी ऊपर नीचे होगा फिर सेट करते हैं अच्छा तू इसके साथ सेट हो गया डन तू इसी का ढक्कन है समझे मेरी बात ऐसे साफ में क्या होता है ना कपलिंग जो होता है ना हर तरीके की नहीं बनाई जाती है कपलिंग अपनी भी बनाई जाती है आपने एक कपलिंग पढ़ा हुआ ओल्ड हेम कपलिंग थ्योरी ऑफ मशीन में अब अगर मैं बात करूं तो साफ्ट को कपलिंग से जोड़ने के लिए हम लोग एक मेटल पीस लेकर आते हैं जो साफ्ट को जोड़ता है एक गलत बना है देखिए हमेशा याद रखिए आधा साफ्ट के अंदर भी होगा आधा वहां भी ऐसे होगा ये हमें जोड़ता है वट इज दिस दिस इज की तो बेटा साफ्ट को दूसरे एक साफ को दूसरे साफ से जोड़ने के लिए कपलिंग आया और कपलिंग किसके हेल्प से जोड़ता है की के हेल्प से ठीक है सर इसीलिए नाम साफ्ट की कपलिंग है नो अब आपको लग रहा होगा कि सर आप बोलेंगे सर इसीलिए नाम साफ्ट की कपलिंग है नो सुनो मेरी बात क्यों है साफ्ट की कपलिंग बहुत बड़ा रीजन है जब मैं साफ्ट को रोटेट कराऊंगा ना बेटा बहुत ध्यान से सुनना जो बोलने जा रहा हूं जब मैं साफ्ट को रोटेट कराऊंगा तो साफ्ट का जो फोर्स है किस पे ट्रांसमिट होगा की पे साफ्ट पे पहले मैं डिजाइन करूंगा पहले मैं साफ्ट का फोर्स जो है पहले तो मैं साफ्ट को डिजाइन कर लूंगा फिर साफ्ट का जो फोर्स है मैं किसको ट्रांसमिट करूंगा की को और की किसको ट्रांसमिट करेगी कपलिंग को और कपिल फिर से दूसरे साफ्ट को घुमा देगी यही होगा ना जी सर ना अब मैं आपको जो वर्ड बताने जा रहा हूं सुनो अगर मैं साफ्ट को पहले फोर्स को डिजाइन करूंगा अगर मैं साफ्ट को डिजाइन कर रहा हूं तो सिर्फ साफ्ट को डिजाइन करूंगा अगर मैं की को डिजाइन कर रहा हूं तो मुझे पहले साफ्ट को डिजाइन करने आना चाहिए ठीक है ना पहले मेरे को साफ्ट को डिजाइन करने आना चाहिए देन की पढ़ सकते हैं आप अगर मैं कपलिंग को डिजाइन कर रहा हूं तो मुझे मैं पहले साफ्ट को डिजाइन करूंगा की को करूंगा कपलिंग को करूंगा। तुमको लग रहा होगा ये क्या है अभी समझा जाओ कोई भी किताब उठा लो मशीन डिजाइन की तुमको देखने को मिलेगा कपलिंग का कपलिंग का जो डिजाइन होता है वो सबसे बड़ा होता है क्यों उसमें साफ्ट भी ड्रॉ डिजाइन करते हैं की भी करते हैं देन कपलिंग क्यों करेंगे अरे यार अगर मान लो कोई क्वेश्चन आ गया कि डिजाइन कपलिंग कपलिंग को डिजाइन करो तो तुम्हें क्या लग रहा है तुम फोर्स अपने आप ले आओगे अपने मन से कुछ भी फोर्स काउंट कर लोगे नो no. तुम साफ को डिजाइन करोगे जो फोर्स आएगा वो फोर्स लगाओगे की के ऊपर और यहां से जो निकलेगा वो तुम कपलिंग के ऊपर चढ़ाओगे या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा होगा कि ट्रांसमिटिंग द फोर्स ये आया इतना फोर्स आपको कपलिंग को मिल रहा है अदरवाइज नहीं दिया होगा तो तुम ऐसे लेकर चलोगे समझे मेरी बात इसलिए कह रहा हूं अगर मान लो साफ्ट को डिजाइन करते हो तो सिर्फ साफ्ट क्यों करते हो अगर की को करना होगा तो साफ्ट का हेल्प लेना पड़ेगा साफ्ट के हेल्प के साथ की पे हो गए अगर कपलिंग को करना होगा तो साफ्ट की एंड कपलिंग तीनों करोगे नाउ द नेम व्हाई द नेम इज साफ्ट की एंड कपलिंग बिकॉज साफ्ट ट्रांसमिट फोर्स ऑन कप की एंड की ट्रांसमिट एड फोर्स ऑन कपलिंग साफ्ट अपना फोर्स की को की अपना फोर्स कपलिंग को देता है और यही सीरीज होता है इसीलिए चैप्टर का ही नाम पड़ गया साफ्ट की एंड कपलिंग कभी भी सुना नहीं होगा किसी भी किताब में नहीं सुना होगा की साफ्ट कपलिंग या साफ्ट कपलिंग की कभी नहीं सुना होगा नथिंग 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 ठीक ना पहला पॉइंट आपका यह चीज क्लियर होना चाहिए ठीक ना पहला पॉइंट आपका यह चीज क्लियर होना चाहिए ओके डन हम साफ्ट को डिजाइन करने जा रहे हैं तो हम सिर्फ साफ्ट को डिजाइन करेंगे याद रखना

क्लच में मैंने आपको स्पलाइन बताया था वो भी मैं बताऊं देखिए कई सारे डिफरेंट डिफरेंट साफ्ट होती है कई सारे डिफरेंट डिफरेंट साफ्ट होती है उसके ऊपर कई सारे डिफरेंट डिफरेंट पुली गियर ये सब चढ़ाया जाता है देख सकते हो ठीक ना सी दिस नाउ अब साफ्ट का मटेरियल कैसा होना चाहिए सर ये सब क्यों बता रहे हो बेटा देखो क्वेश्चन आता है ऐसा नहीं है ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है कहीं कहीं तो एक पेज का है पढ़ लो ना अच्छा आपको मजाक लग रहा हो तो जितने बच्चे स्टेट ए की तैयारी कर रहे हैं वो फोर्टी सी एट को एक बार ध्यान से देख लें और फोर्टी फाइव सी एट को एक बार ध्यान से देख लें ठीक है ना वो जीवन भर इस वर्ड को नहीं भूलेंगे एग्जाम में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्टी सी एट ठीक है ना मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं था एग्जाम में क्वेश्चन ये आया था फोर्टी सी एट में कार्बन के कितने परसेंटेज क्या बात कर रहे हो हाँ अभी बताऊंगा अभी बताऊंगा एक खुलासा करूंगा सांप का जो मटेरियल होता है द मटेरियल यूज फॉर सांप शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इट शुड हैव हाई स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रेंथ का होना चाहिए इट शुड हैव गुड मशीन अच्छे मशीन हुई होगी तो अपने आप हाई स्ट्रेंथ होगा उसका कहीं क्रैक वियर नहीं होगा कहीं क्रैक नहीं डेवलप होगा होगा इट शुड हैव लो नोच सेंसिटिविटी फैक्टर मतलब साफ्ट में अगर कहीं भी जैसे मान लो ये इस साफ्ट में देखो कटिंग किया इस साफ्ट में है इस साफ्ट में है तो कुछ ऐसा हो कुछ ऐसा हो जिसके अंदर लो नोच सेंसिटिविटी फैक्टर नो सेंसिटिविटी फैक्टर आप सभी लोग जानते हो के एफ माइनस वन अपॉन के टी माइनस वन कहाँ आता है जहां नोच जनरेट होता है ठीक है ना जहां डिसकंटिन्यूटी होती है क्रॉस सेक्शन एरिया में शुड हैव गुड हीट ट्रीटमेंट प्रॉपर्टीज यार बहुत जरूरी बात है क्योंकि तो सांप के ऊपर पुली ना चला है से बात है हीट का जनरेशन होगा तो गुड हीट ट्रीटमेंट प्रॉपर्टीज वाला आपका होना चाहिए अच्छा हीट ट्रीटमेंट प्रॉपर्टीज क्या फायदा है देखो हीट ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी आपका हार्डनेस ठीक ना डकटिलिटी ब्रिटिलनेस आपका टफनेस आपका बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रॉपर्टीज जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इंप्रूव करती है ट्रीटमेंट ठीक है ना इट शुड हैव हाई वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी वो तो हमने यही बता दिया था गुड मसीनेबिलिटी होगी तो वियरिंग होने का चांस बिल्कुल नहीं रहेगा फिर भी हाई वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी हमारा साफ्ट होना चाहिए कोई बात नहीं सर इतनी सारी बातें प्यारी लगी बहुत अच्छी लगी अब ये बताइए कौन सा मटेरियल लेना है द मटेरियल यूज फॉर द दर्डनरी साफ्ट इज कार्बन स्टील क्या लेना है साफ्ट के लिए मटेरियल कार्बन स्टील ठीक है ना कार्बन स्टील कौन सा लेना है फोर्टी सी एट फोर्टी फाइव सी एट सब क्या है ये ग्रेड है ये ग्रेड है कार्बन स्टील मतलब क्या है थोड़ा ये समझा देता हूं फोर्टी सी एट फोर्टी फाइव सी एट फिफ्टी सी फोर फिफ्टी सी ट्वेल्व अब समझो अगर मैं आपको बेसिक रूप से बताना चाहूं तो ये क्या है वट इज दिस देखो इसमें कार्बन का परसेंटेज पूछा जाता है बेसिकली बेसिकली इनके अंदर कार्बन का परसेंटेज ऐसे पूछ लिया है तो मैं आपको एक छोटा सा जुगाड़ बताने जा रहा हूं ध्यान से। देखो जनरली जो होता है मैं आपको एक ऐसा कॉमन जुगाड़ बता रहा हूं जो जनरली यूज होता है सुनना पहला तरीका पहला तरीका यह पहला तरीका ये कि यहां जो भी लिखा है जो भी लिखा है उसमें पांच कम पांच ज्यादा कर दीजिए पांच कम होगा तो क्या होगा यही होगा ना फोर्टी फाइव में पांच कम इसमें पांच ज्यादा कर दीजिए थर्टी फाइव परसेंट टू फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ कार्बन क्वेश्चन पूछता है परसेंटेज ऑफ कार्बन फोर्टी परसेंट टू फिफ्टी परसेंट ऑफ कार्बन समझ में आया अगर पचास लिखा है तो 45 से पचपन परसेंट ऑफ कार्बन मतलब इसके रेंज में रहेगा आप सुन सच्चाई क्या है सच्चाई ये तो मतलब ये एक ऐसा ट्रिक है जो हर किसी को वैलिड कर सकते हो आप लगा सकते हो आपको रेंज पता चल जाएगा पांच कम पांच ज्यादा पांच कम पांच ज्यादा क्लियर रखिएगा 35 से 45, चालीस से पचास पैतालीस आप सोच रहे हो ये भी तो पचास से। आप यहां अगर ऐसे लिखोगे ना फोर्टी फाइव परसेंट तो फिफ्टी फाइव परसेंट आपको कोई डांटेगा नहीं टेंशन मत लो रेंज अभी भी वही रहेगा बट सर ये इसके आगे जो ये लिखा है आठ आठ चार बारह ये क्या है बेटा ये ग्रेड है ये ग्रेड है ये एक्चुअल ग्रेड है याद रखिएगा ये कार्बन के परसेंटेज का एवरेज वैल्यू है और ये ग्रेड है ठीक है ध्यान रखिएगा ठीक है इस चीज को ध्यान रखिएगा पांच कम पांच ज्यादा अच्छा सर फिफ्टी सी फोर का भी कार्बन परसेंटेज ये है फिफ्टी सी ट्वेल्व का भी कार्बन परसेंटेज हाँ ठीक है वो ग्रेड चेंज हो गया है ग्रेड सुज बी चेंज ठीक इस चीज को ध्यान रखिएगा क्लियर है क्लियर है एक बार बताइए क्लियर है एक बार बताइए क्लियर है एक बार बताइए ठीक है ना दो टाइप के साफ्ट होते हैं एक होता है ट्रांसमिशन साफ्ट एक होता है मशीन साफ्ट दो पॉइंट में कंप्लीट कर जाऊंगा इसको ट्रांसमिशन साफ्ट जो पावर को ट्रांसमिट करे जो टॉर्क को ट्रांसमिट करे ट्रांसमिशन साफ्ट एक होता है मशीन साफ्ट जैसे कैम साफ्ट क्रैंक साफ्ट जो मशीन के अंदर होता है ठीक है ना और जो ट्रांसमिशन साफ्ट होता है जिसके ऊपर पुली गियर ये सब टांगते हैं वो ट्रांसमिशन साफ्ट होता है जिसमें आता है लाइन साफ्ट समझ आए मेरी बात मशीन साफ्ट के अंदर क्या आ सकता है क्रैंक साफ देखो लिखा भी है क्रैंक साफ्ट कैम साफ्ट सब मशीन के अंदर का साफ्ट है ठीक है ना ध्यान रखिएगा ज्यादा टेंशन नहीं लेना इसको रटना नहीं अब डिजाइन ऑफ करते हैं बहुत मजेदार चीज आ गया है साफ्ट की डिजाइनिंग देखोगे ध्यान से साफ्ट कैसा होता होगा अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं क्रॉस सेक्शन ऑफ द साफ्ट क्रॉस सेक्शन ऑफ द साफ्ट जो टॉर्क ट्रांसमिट करे वो साफ्ट का क्रॉस सेक्शन कैसा होता होगा जो टॉर्क ट्रांसमिट करे उस साफ्ट का क्रॉस सेक्शन कैसा होता होगा सर तो जो टॉर्क ट्रांसमिट करता है उस साफ्ट का क्रॉस सेक्शन होता है सर्कुलर सॉलिड सर्किल या होलो सर्किल ये होता है ना डिजाइन ऑफ साफ्ट अगर मैं साफ्ट की डिजाइनिंग कर रहा हूं सिर्फ टॉर्सन मैं सिर्फ टॉर्सन के बेस पे ठीक है ना ध्यान रखिएगा कंडीशन वन बेस्ड ऑन टॉर्सन ऑनली टॉर्सन के बेस पे अगर करना चाहो देखना टॉर्सन के बेसिस पे कैसे करेंगे हम सभी जानते हैं प्योर टॉर्सन इक्वेशन हम लोग सोम में एक प्योर टॉर्सन इक्वेशन पढ़ेंगे प्योर Pure... टॉर्सन इक्वेशन क्या होता है टी बाई जे टाउ बाई आर जी थीटा बाय बाई एल बेस्ड ऑन टॉर्सन यहां टॉर्सन में भी दो टाइप का होता है ठीक है ना एक तो आपका बेस्ड ऑन सीयर स्ट्रेस बेस्ड ऑन रिजिडिटी रिजिडिटी क्राइटेरिया खैर कोई नहीं अभी मैं आपको बेसिकली आपको जो है वो बता देता तो हूं अभी हम इन दोनों को लेकर चलेंगे डी बाई जे टाओ बाई आर ओके okay. डियर अगर मैं यहां से सीयर निकालना चाहूं वट इज द मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस सो टी इंटू आर बाई जे यही होगा ना T into R by J. डियर you can see this. R क्या होता है दो टाइप का साफ्ट है मैंने आपको बोला एक है सॉलिड साफ्ट एक है हॉलो साफ्ट अब अगर मैं बात करना चाहूं डियर यू कैन सी दिस ध्यान से देखते रहेंगे अगर मैं सिर्फ सॉलिड साफ्ट की बात करूं ठीक है ना लिखो नंबर वन सॉलिड साफ्ट अगर मैं सिर्फ सॉलिड साफ्ट की बात करूं तो सॉलिड साफ्ट में वट इज दिस इज द डायमीटर डी ये डी डायामीटर है स्मॉल आर क्या होगा कैपिटल डी बाई टू ठीक है ना एंड uh, अगर मैं बात करना चाहूं जे क्या होगा फाइव बाई थर्टी टू डी टू पावर फोर यही होगा ना ये जे क्या होता है जे इज द पोलर सेक्शन मॉड्यूल ए सॉरी पोलर मूवमेंट ऑफ नर्स पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया जिसको आप लोग आई जेड जेड के नाम से जानते आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई होता है तो दोनों का सम होता है दिस इज द पाई बाई थर्टी टू डी टू पावर फोर इज दैट क्लियर ठीक है ना इज दैट क्लियर जल्दी बताओ हाँ स्टील ग्रेड क्या कह रहा है अरे बाबा कार्बन स्टील के वर्ड की बात किया है ठीक है ना अरे रे 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 सॉरी 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 मैंने पैंतीस परसेंट लिख दिया नो 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 ये जीरो पॉइंट थ्री फाइव है सॉरी सॉरी जीरो पॉइंट थ्री फाइव टू जीरो पॉइंट फोर फाइव इसको सही कर लेना ये जीरो पॉइंट होगा आपका ये जितना भी है सबके आगे पॉइंट लगेगा ठीक ना वो तरीका है वो लिखवाने का जीरो पॉइंट समथिंग जीरो पॉइंट ओके नॉट अ फोर्टी फाइव नॉट अ थर्टी फाइव ठीक है जीरो पॉइंट होगा सब ठीक है या, तो या जी, अब बात करता हूं बेटा अगर मैं इस चीज को इस इक्वेशन वन के अंदर रख तो क्या होगा टाउ मैक्स T into what what is is the the R sir D by what is the J pi by 32 D to power इज ये हो जाएगा बाई T upon pi D का जब भी हम साप को डिजाइन करते हैं ना तो मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस पे ही डिजाइन करते हैं और डिजाइन करने का मकसद क्या होता है यहां से डायामीटर फाइंड करना डायमीटर फाइंड करना ये मतलब होता है इस सियर स्ट्रेस में डायमीटर फाइंड करना ये मतलब होता है ध्यान रखिएगा दिस इज द मैक्सिमम सियर स्ट्रेस मैक्सिमम सियर स्ट्रेस में ये डी डी फॉर डायमीटर फाइंड करना ये मतलब होता है ध्यान रखिएगा ठीक है तो ये सॉलिड शाफ्ट की बात हो गई जी अब बात करते हैं नंबर 2 दिस इज होलोसाफ्ट अगर मैं साफ्ट ले लू लेकिन अगर मैं हॉलो साफ्ट की बात करूं तो क्या होगा साफ्ट का सर साफ्ट में दो डायामीटर आ जाएगा ये वाला आ गया स्मॉल डी और बाहर वाला आ गया आपका कैपिटल डी जी अगर मैं यहाँ स्मॉल आर की बात करूं सुनिएगा ध्यान से जैसे अभी लास्ट टाइम पे आपने देखा अगर मैं यहाँ स्मॉल आर की बात करूं तो क्या होगा हमारा जैसे यहाँ बात हुई तो कैपिटल डी बाई टू ऐसे हॉलो में जब लेते हैं ना तो बाहर वाला ही जो मैक्सिमम आउटर सरफेस होता है ना क्योंकि सीएल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही कुछ होता है ठीक है ना आर जो होगा वो होगा कैपिटल डी बाई टू ऐसा क्यों करते हैं आपको बता दें देखिए ध्यान से साफ्ट ना देखना ध्यान से साफ्ट ना जो मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस होता है वो उसके आउटर सरफेस पे होता है कैसे पता ये देखो मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर तो आर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस होगा तो आर इज मैक्सिमम एट द आउटर सरफेस मैक्सिमम एट द आउटर सरफेस ठीक है ना जैसे मान लो ये होगा तो ये इसका क्या होगा बेटा ये इसका सीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बन जाएगा सीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इसका ये हो जाएगा ऐसे ही इसके अंदर भी अगर बात करना चाहूं तो आप देख सकते हो ठीक है ठीक है ये इसका क्या होगा बेटा सीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम क्या बनाया मैंने सीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम लिनियर क्यों बनाया उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर वट इज दिस दिस इज सीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सॉलिड सा इसके ऊपर एंड वॉट इज दिस सर दिस इज सीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन हॉलोसॉफ्ट क्लियर ना स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल डी बाई टू ओके डन जी बराबर क्या होगा जियॉलो साउ फाइव बाई थर्टी टू डी टू पावर फोर माइनस स्मॉल डी टू पावर यही होगा अब इसको अपन क्या करेंगे क्वेश्चन वन में रख देंगे मैक्सिमम सीएर स्ट्रस टी इंटू आर बाई जे आर इज डी बाई टू बाई जे इज डी टू पावर फोर माइनस स्मॉल डी टू पावर दिस इज मैक्सिमम सीयर द मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस इज ये से कट जाएगा सिक्सटीन टी टू डी अपॉन पाई डी टू पावर फोर माइनस स्मॉल डी टू पावर बेटा यहां से डी टू पावर फोर कॉमन कर लेते हैं ध्यान से 16d टी डी अपॉन पाई डी टू पावर फोर कॉमन कर लिया यहाँ क्या बचेगा यहाँ वन यहाँ स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इसके पावर फोर इसके पावर सी दिस हम स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी को अगर के मान लें तो मान लो भाई तो मैक्सिमम सी क्या होगा ये से कट जाएगा पहले काट दो तो। ये क्यूब आएगा तो सिक्सटीन टी अपॉन पाई डी का क्यूब ब्रैकेट वन माइनस के टू पावर डियर यू कैन सी दिस दिस इज द डिजाइन ऑफ होलोसा ठीक है ना अगर आप इसमें डिजाइन करते हो तो डी फॉर डायामीटर अब डायमीटर कोई सा भी हो सकता है ठीक है ना इनर या आउटर कुछ भी हो सकता है इनर या आउटर कुछ भी डायामीटर हो सकता है सो डोंट टेक एनी टेंशन आप ध्यान से बस देखो, इनर या आउटर कुछ भी हो सकता है दिस इज फॉर हॉलो साफ दिस इज फॉर हॉलोसाफ्ट के का कोई नेम नहीं होता बेटा दिस इज द रेशियो दिस इज द रेशियो ऑफ इनर डाया टू द आउटर डाया ठीक ना के रख देते हैं क्लियर है देखो देखो ये तो अभी मैंने बेस्ड बेस्ड ऑन ऑन टॉर्सन 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 किया है based on torson. Torson में आपका सॉलिड साफ से यहां से डायमीटर निकाल लोगे और हॉलो में यहां से डायमीटर निकाल लोगे इनर आउटर जो भी कहोगे ठीक है ना के से भी निकल जाएगा आपका इज दैट क्लियर सो ये हमारा बेस्ड ऑन टॉर्सन ओनली है दिस इज द कंडीशन वन बेस्ड ऑन टॉर्सन ओनली तो टॉर्सन वाले में कोई दिक्कत नहीं आया होगा आशा करता हूं एक बार बताओ कमेंट में कमेंट में बताओ आशा करता हूं कोई दिक्कत नहीं आया होगा अब अगर मैं बात करूं बेटा देखो मैंने पहले ही बोला था कि मैं टॉर्सन मतलब तो टॉर्क अब मैं बेंडिंग मोमेंट के थ्रू जाऊंगा डिजाइन करने तो साफ्ट को जो है कंडीशन नंबर टू ठीक है ट देखो ध्यान से बेस्ड ऑन बेंडिंग मूमेंट यह तो टॉर्सन ऑनली हुआ है यहां क्या होगा बेंडिंग मूवमेंट होगा तो बेंडिंग मूमेंट के हिसाब से कैसे जाएगा पहले मैं आपको बता देता हूं जैसे यहां प्योर टॉर्सन एक कैसे लिखे ना प्योर बेंडिंग हो जाएगा देखो हम सभी जानते हैं प्योर बेंडिंग एम अपॉन आई सिग्मा बी अपॉन वाई ई अपॉन आर इसके अंदर सिर्फ इतना ले लो ठीक है भाई तो यहां से सिग्मा बी मैक्सिमम पता करना है एम इंटू वाई ऑन आई वाई क्या होगा मैक्सिमम लेंगे अगर ये मैक्सिमम पता करना है तो वाई क्या लेंगे मैक्सिमम लेंगे ध्यान रखिएगा ठीक है ना एंड यू कैन सी दिस दिस इज द इक्वेशन नंबर टू वन तो यहां हो चुका है ना बेटा यहां से भी आपको पता चल गया कि मैक्सिमम बेंडिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है वाई है और वाई क्या है इज द डिस्टेंस इज द डिस्टेंस यू कैन सी दिस तो डियर आप यहां ध्यान से देखो अब इसको हम लोग लेकर चलते हैं नंबर वन सॉलिड साफ़ फर्स्ट ऑफ ऑल आई क्या होगा मूवमेंट ऑफ इनर्सिया जो आई एक्स एक्स होता है या वाई वाई, 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 वाई होता है वाई इज द वाई मैक्सिमम डिस्टेंस बिट्वीन न्यूट्रल एक्सिस एने का मतलब न्यूट्रल एक्सिस टू एक्सट्रीम फाइबर ना ध्यान रखिएगा सॉलिड साफ्ट है तो क्या होगा इसका डायामीटर होगा डी ठीक है ना सी दिस y मैक्स कितना होगा सर डी वाई टू न्यूट्रल एक्सिस सर बीचों बीस सी जाएगी तो लेकर यहां तक के डिस्टेंस क्या होगा डीवाई टू एंड आई क्या होगा सर सॉलिड के लिए आई होगा टू पावर ये सब फॉर्मूले छोटे छोटे फॉर्मूले आपको आता है ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपको आता है ठीक ना यू कैन सी दिस आई बार फाइवी फोर डी टू पावर फोर अब अगर मैं बात करना चाहूं मैक्सिमम बेंडिंग एम इन टू वाई मैक्सिमम डी बाई टू आई अपॉन आई है ना तो मैक्सिमम बेंडिंग क्या होगा बेटा इससे ये कट जाएगा थर्टी टू एम अपॉन आई डी टू पावर ठीक है ना यहां से अपन क्या कर लेंगे डायामीटर निकाल बताओ कोई डाउट हो तो बताओ दिस इज द न्यूट्रल एक्सेस दिस डिस्टेंस इज वाई मैक्स एक्सट्रीम फाइबर कोई डाउट हो तो बताओ ठीक है सी दिस कोई डाउट हो तो बताओ डी फॉर डायामीटर ये किसके लिए था सॉलिड साक के लिए था इज देयर एनी डाउट कोई डाउट बेटा इज देयर एनी डाउट सेशन को लाइक करते रहना नंबर टू अरे पेज ही खत्म हो गया अभी कहा खत्म हो गया इधर नंबर टू Hallo santo. Hallo santo. पिटल डी दिस इज स्मॉल डी ठीक है हलो साफ क्या होगा वाई मैक्सिमम सर वाई मैक्सिमम वही कैपिटल डी बाई टू एंड आई क्या होगा फाइव बाई सिक्सटी फोर डी टू पावर फोर माइनस स्मॉल डी टू पावर फोर क्लियर है ठीक है फाइव बाई स डी टू पावर फोर माइनस स्मॉल डी टू पावर फोर अपन क्या करने वाले हैं इस इक्वेशन में एम वाई मैक्स अपॉन आई डी वाई टू अपॉन फाइव बाई सिक्सटी फोर डी टू पावर फोर स्मॉल डी इससे ये कटेगा थर्टी टू एम और मैं डी पाई यहां से डी टू पावर फोर कॉमन ले लो वन माइनस स्मॉल डी टू पावर फोर अपॉन d डी अपॉन डी दैट इज सो मैक्सिमम एज थर्टी टू एक चीज देखो ध्यान से ये से कटेगा यहाँ तीन आ जाएगा पावर बिल्कुल आएगा थर्टी टू एम पाई डी का क्यूब वन माइनस ए टू पावर आप देख पा रहे हो कि बस एक चीज का अंतर है सिक्सटीन था यहां थर्टी टू है ठीक है ना थोड़ा ध्यान से यहां में हम लोग डायमीटर निकालते मेरा क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से इफ दिस इज द इक्वेशन बी एंड दिस इज द इक्वेशन ए ये इक्वेशन ए मैक्सिमम सीरियर स्ट्रेस वाला वो मैक्सिमम मैक्सिमम बेंडिंग वाला इक्वेशन बी और नोट एक एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है मैंने आप लोगों को करवाया विद और सेम आउटर एंड इनर डायामीटर ऑफ हॉलो लेकिन आप हॉलो सार्ट पे ले लीजिए मैंने हॉलो शार्ट पे लिया आपका मन हुआ नहीं हम तो लेंगे सॉलिड शार्ट पे तो लिख दीजिए और सेम आउटर थोड़ी लोग फिर सेम डायामीटर सॉलिड साफ्ट और सेम आउटर इन डायमीटर हॉलो साफ्ट इन केस ऑफ बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग ऐसे यहां भी लिख दीजिए इन केस ऑफ बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग मैं क्या कर रहा हूं थोड़ा तो ध्यान से देखना क्वेश्चन आया हुआ है यहां से क्या हुआ यहां हम क्या करेंगे यहां हम इक्वेशन ए को इक्वेशन बी से बैलेंस करा देंगे मतलब मतलब यू कैन सी दिस ठीक ना फॉर सेम डायामीटर है सबको सेम है ठीक है ध्यान रखना एंड कंडीशन नंबर टू इसी में कंडीशन नंबर टू है कि मैक्सिमम बेंडिंग ज इक्वल टू मैक्सिमम ट्विस्ट सी ये कंडीशन वैलिड होना चाहिए अगर ऐसा है और ऊपर से अगर ये कंडीशन भी हमारा वैलिड है तो, ये के लिए? के लिए? तो क्या लिखेंगे थर्टी टू एम अपॉन पाई डी क्यू माइनस वन वन के पावर फोर यहां होगा सिक्सटीन टी अपॉन का क्यूब वन माइनस के टू पावर फोर पेन उठाओ काट दो ये पूरा का ये पूरा कट जाएगा बिल्कुल कटेगा सोलह दूनी बत्तीस बिल्कुल कटेगा तो मेरा क्वेश्चन ये है अच्छा ये इससे कट जाएगा इसका मतलब टीज इक्वल टू टू एम बोलो टीज इक्वल टू टू एम बोलो कहा ना बोलो यस और लो ठीक है ना अगर सॉलिड में बात कर लिया ये तो सॉलिड का केस तो यहां होता है थर्टी टू एम वन पाई डी टू पावर फोर सिक्सटीन टी एफ वन पाई डी टू पावर फोर पेन उठाओ काट दो तो हैं बराबर है 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 मतलब हो हो चाहे जो जो होता वो two times of bending होता होता जिसको हम कहते वो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन ये आ चुका है तो आपको ये बताना था कि होलो हो चाहे सॉलिड साफ्ट हो ये दोनों के लिए वैलिड होता है टी बराबर टू है इज दैट क्लियर इतनी बात क्लियर है हॉलो और सॉलिड दोनों के लिए बराबर होता है ठीक है दोनों के लिए बराबर होता है ठीक है चलो अब जो सबसे मेन कांड है अब ये होगा अब सुनो मेरी बात सबसे बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट मैं यहां लिख ही दे रहा हूं इंपॉर्टेंट कंडीशन नंबर थ्री इतना तो सभी को आता था अब कंडीशन नंबर थ्री जो है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कंबाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग साफ्ट का डिजाइन कंबाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इसमें डिजाइन करते समय मैं आपको छोटा सा दो सलाह दूंगा साफ्ट को हम लोग दो टाइप से डिजाइन करते हैं ठीक है ना कैसे सर साफ्ट का कुछ भी हो सकता है तो में ने दो टाइप से हम फोर्स मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं और फैक्टर ऑफ सेफ्टी का अगर यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है थ्योरीज ऑफ फेलियर आया होगा तो साफ्ट को दो टाइप से डिजाइन करते हैं। पहला जो होता है थ्योरीज फेलियर वो होता है एम एस एस आशा करता हूं आप सभी को यह याद होगा मैक्सिमम सियर स्ट्रेस थ्यूरी ना पहला जो पॉइंट है वो इससे हम लोग क्या करते हैं डिजाइन करते हैं पॉइंट नंबर टू साफ को दूसरा थ्योरी जो फेलियर होता है एम पी एस टी जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी या इसका दूसरा नाम मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी इन दोनों से हम लोग क्या करते हैं डिजाइन करते हैं डिजाइन करते समय एक एमएसएस टी और एक एम पी एस टी आता है अब आपके मन में आ रहा होगा यार ये चीज नहीं समझ में आया मैंने कहा क्या साफ तो डक्टाइल मटेरियल का होगा तब तो एम एस एस टी यूज करेंगे ना, ना 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 जरूरी नहीं है इसीलिए कंबाइंड बेंडिंग ट्विस्टिंग करते समय हम लोग एक ब्रिटिल मटेरियल वाला केस एक डक्टाइल वाला केस दोनों को लेकर आते हैं ध्यान रखिएगा इसको भी और उसको भी डक्टाइल में सबसे इकोनो वो कौन सा है सॉरी सबसे कहते ना प्यारा सबसे बेहतरीन फिर हमारा कौन सा बेहतरीन रिजल्ट जिसका निकलता हुआ है एम एस एस टी क्लियर है यस मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस एंड मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी ये दो टाइप से निकल के आता है आइए चलिए देखते हैं तो मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस थ्योरी क्या है अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं अकॉर्डिंग टू सियर स्ट्रेस थ्योरी क्या है सियर स्ट्रेस इज लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन जो हमारा yield हो यही ना थी अच्छा इसमें भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दो सियर स्ट्रेस इल्ड सियर स्ट्रेस में भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के उससे भी कम होना चाहिए समझ में आई बात समझ में आई बात उसमें भी फैक्टर लगाकर उससे भी कम होना चाहिए जी तो मैक्सिम स्ट्रेस होता क्या या तो सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू होता है या तो ये होता है ठीक है सुनना मेरी बात या तो यह होगा और और अगर आप इसको कैलकुलेशन किए हो तो आपको पता होगा मैक्सियर स्ट्रेस थ्योरी जो है ये रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर ये भी होता है समझ आगे मेरी बात ये भी होता है ये कैसे होता है सर ऐसे कैसे हो गया सर आपके मन में आ रहा होगा ठीक है ना कुछ नहीं बेटा सिग्मा वन जो होता है होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू माइनस दिस ठीक है ना जब हम इन दोनों को घटाते उन दोनों इक्वेशन को तो आगे वाला जो है टर्म वो कट जाता है और यही बचता है हमारे पास ध्यान रखिएगा तो ये आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस नाम के चैप्टर में पढ़ने को मिलता है ध्यान रखना डियर दिस इज द मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस ये तो मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस है ठीक है अब मैं अगर आपसे बात करूं बेटा ये तो मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस था जो कि ईल्ड से हमारा क्या होगा कम होगा थ्योरी ऑफ फेलियर में यही तो पढ़े थ्योरीज ऑफ फेलियर में यही तो पढ़े हैं यस और नो क्लियर यस और नो पता बेटा इतना चीज क्लियर है पहले बताओ इतना पॉइंट क्लियर है ये चीज तो सेफ क्राइटेरिया है लिख दो तो। और सेफ क्राइटेरिया फॉर सेफ क्राइटेरिया के लिए हो इतना पढ़े हो जल्दी बताओ ये हम लोग पढ़ के आए हैं बताइए ना अब मैं आपसे कुछ बातें करूंगा सर मैंने कहा क्या सर अगर मान लीजिए साठ पे हमारा सिंगल एक लोड लगे यूनी एक्सेल लोडिंग अच्छा तो साठ पे हो क्या रहा है सर सिर्फ कंबाइंड बेंडिंग स्ट्रेस लग रहा है और क्या लग रहा है सर सियर स्ट्रेस अच्छा हाँ सर तो इसका मतलब है ये जो रूप है ये चेंज होगा मतलब एक ही लगाए ना नॉर्मल का एक ही फोर्स लगाए तो सिग्मा वाई तो नहीं लगेगा सिग्मा वाई जीरो हो जाएगा इसका मतलब इस क्वेश्चन में सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा बी सिग्मा वाई जीरो एंड टाउ एक्स वाई सीयर लगेगा इसको टाउ का सीयर तो लगेगा यहां क्या बनेगा रूट ऑफ सिग्मा बी बाई टू का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर ठीक है ना ये बन जाएगा जी अगर ये बन गया मैक्सम सियर ये बन गया मेक्सम सियर तो सिग्मा बी और टाउ क्या होता है अरे यार अभी तो पढ़ क्या है वो आगे चल और सॉलिड साफ्ट सिग्मा बी अभी पढ़ के आए हो थर्टी टू एम अपॉन पाई डी टू पावर फोर और टाउ क्या पढ़ के आए हो सिक्सटीन टी अपॉन एक सेकेंड डी बार फोर का मैंने कहीं गलती किया है क्या डी टी बार फोर लिखता आ रहा तो है ना डी क्यूब होगा जरा चेक करते हैं यहां भी गलती लिखा था इधर इधर सब सही लिखा है डी का क्यू हम्म यहां गलती डी कट जाएगा ना हाँ ठीक है भाई हाँ जब ये दोनों हमें पता है सॉलिड साफ्ट का तो मैं उसको यहां रख देता हूं ना क्वेशन नंबर थ्री में तो मैक्सिमम सीयर क्या आ जाएगा रूट ऑफ सिग्मा बी बाई टू का स्क्वायर तेज बाई टू का स्क्वायर सिग्मा बी बाई टू का स्क्वायर सिग्मा बी क्या है थर्टी टू एम बाई टू बाई टू बाई टू आ गया ध्यान से प्लस टाओ का स्क्वायर तीन टी बेटा एक चीज देखो तो दो से अगर ये बत्तीस जाएगा सोलह बार मैक्सिमम सियर क्या आ जाएगा देखो अभी सारा खोज निकलेगा अभी सब आ जाएगा हाथ में है ना याना 16m अपॉन पाई डी का क्यूब स्क्वायर 16 t अपॉन पाई डी का क्यूब स्क्वायर ठीक है ना तो मैक्सिमम शीयर क्या होगा यहां से 16 अपॉन पाई डी का क्यूब कॉमन कर ले बाहर कर दे अरे बिल्कुल कर दीजिए 16 अपॉन डी करो रूट में क्या होगा एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर यू कैन सी दिस दिस इज द केस अगर मैं इसमें बात करना चाहूं आप इसके अंदर अगर यह देखना चाहते हो वट इज दिस सर दिस इज द इक्विवेलेंट twisting moment equivalent twisting moment what is this sir this is called as a equivalent twisting moment this is इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट जरा यहां रखिए मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस आ जाएगा अपॉन पाई डी इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट क्यों आया सोचा कभी equivalent आने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि आपका टीई पता चल जाए इक्विवेलेंट क्या है बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग दोनों का कंबाइंड वर्जन है ठीक है ना पीडीएफ नहीं मिलेगा बेटा लिखना यहीं से लिखिए पीडीएफ नहीं मिलेगा ठीक है है ना क्या बेटा कंबाइंड वर्जन है इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर एक बार बताओ क्लियर है बेटा आपको यह मिलेगा वीडियो रोक कर खुद ही आप लोग अपना नोट्स बनाएंगे नोट्स नहीं प्रोवाइड होगा ध्यान रखना ठीक है ना सो यू कैन सी दिस एमएसएसटी बेटा मैंने यहां क्या लिया है फॉर Solid क्या लिया है फॉर ठीक है अच्छा बेटा इसको हम हॉलो साफ के लिए भी तो कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं अच्छा क्या रहेगा सर अरे बेटा कुछ नहीं यार बस टी तो आ जाएगा नीचे तो आप बाकी अपने हिसाब से लिख रहे हो हाँ इधर आओ जैसे आपने सिक्सटीन टी के जगह टी आ गया अपन फाइव डी तो यहां भी सिक्सटीन टी के जगह टी आ जाएगा अपन फाइव डी क्यूबाइन के टू पार यस yes. हम लोग क्या कर रहे हैं टी के जगह टी आ जाएगा यही कर रहे हैं तो, मैं डायरेक्ट लिखूंगा ठीक है टाइम बच जाएगा और फॉलो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ठीक है मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस टी के जगह क्या आ जाएगा टी डी का क्यून माइनस के टू पावर ठीक है देखते बेटा आपको जो ये मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस जो निकला है यहां से इक्वेशन फोर इक्वेशन फाइव ये दोनों यहां लेकर आना है एमएसएसटी में यहां वैलिड कराना है याद रखिएगा यहां लेकर आना है यहां वैलिड होगा यह ठीक है सो दिस इज द सेफ क्राइटेरिया यहां लाकर आपको वैलिड कराना है देन क्वेश्चन सॉल्व करना है ठीक है तो यहां से भी आपका डायामीटर वगैरह निकलेगा कंबाइंड बेंडिंग ट्विस्टिंग फिफ्टिंग केस चलो अगला आता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी या मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी आशा करता हूं आप सभी लोग इसको ध्यान से देख रहे होंगे देखो बेटा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी है तो जाहिर सी बात है कि ये कहता है सिग्मा वन एज लेस देन इक्वल टू सिग्मा और उसमें भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दीजिएगा और सेफ क्राइटेरिया क्लियर है और सेफ क्राइटेरिया सिग्मा वन लेस देन इक्वल टू सिग्मा एट ओके सिग्मा सिग्मा क्या क्या है This is what maximum principal stress. Sigma one क्या है दिस इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस अगर कोई बोले लिखिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इसका फॉर्मूला क्या होता है अगर बोले तो अब लिखिए सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टूर प्लस फिर से आपसे एक क्वेश्चन करूंगा मैं फिर से आपसे एक क्वेश्चन करूंगा सिग्मा एक्स इज द सिग्मा बेंडिंग सिग्मा वाई इज जीरो एंड टाउ एक्स वाई इज चलेगा बिल्कुल दौड़ेगा सर क्यों क्योंकि ही। ये तो ही। जी एक बच्चे ने बोला एक्स को ही सिग्मा बी क्यों मान रहे सिग्मा वाई को सिग्मा बी मान लीजिए अरे मान लो अंदर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस प्लस बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं लेना अब तुम यहां जीरो कर दो भैया तो ये क्या आएगा सिग्मा वन बराबर सिग्मा बी बाई टू ठीक है थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करते हैं ठीक तो है थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करते हैं डियर समझ गए बात ठीक है क्लियर है एक बार देखो क्या ही आंसर दो दस बार बता चुका हूं क्या है क्या नहीं है गेट में मत पढ़ो नहीं है गेट में मत पढ़ो नहीं है गेट में मत पढ़ो मैं अब बोलना ही छोड़ दिया एक बार बताया कि साफ इज ए इम्पोर्टेंट की का क्वेश्चन आया हुआ है अब क्या यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आ जाऊं गेट का तभी मानोगे सिलेबस देखते हैं बोलते नहीं है सिलेबस में तो बेल ड्राइव भी नहीं है क्वेश्चन क्यों आता है क्वेश्चन क्यों आता है बता दो मुझे जाके गेट पे जाके चिल्लाओ ऐसा क्यों होता है भाई बेटा सिग्मा बी क्या होता है थर्टी टू एम अच्छा एक सेकेंड और थर्टी टू एम अपॉन जितना पढ़ा रहे हैं शांति से पढ़िए दैट्स इट ज्यादा बोलिए मत नहीं पढ़ना मत पढ़िए लेकिन जितना पढ़ा रहे बेटा वो तो आएगा ना बता बार बार बता के थक चुका हूं मैं और सॉलिड सेट हमारे ये होता है, है इसको अपन रख देते अंदर ठीक है सिग्मा ओ वन एच टू, थर्टी टू एम वन टू पाई डी क्यू प्लस रूट ऑफ थर्टी टू एम वन प्लस सिक्सटीन टी है फाइव डी क्यू स्क्वायर बेटा टू से ये थर्टी टू कट जाएगा ये कट जाएगा बेटा ठीक है बच्चों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है अगर आप लोगों को कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं अगर आप लोगों को उसका आंसर पता है तो आंसर कर दीजिए क्योंकि अभी मेरा सच में तबीयत बहुत ज्यादा खराब है ठीक है ना मैं ज्यादा बोलने में एबल नहीं रहूंगा कृपया करके अगर आप लोगों को पता है तो आंसर कर दीजिए क्योंकि तो टॉपिक रिलेटेड कोई क्वेश्चन थोड़ी ना पूछता है वो पूछेगा तब तो हम तो तो जवाब दें सब तो ये पूछेंगे नोट्स कहाँ मिलेगा शिड्यूल क्या होगा आप कब दिखोगे यूट्यूब पे दिखोगे कि नहीं दिखोगे सब बताओ मुझे सारा रूल चाहिए आपका ठीक है ना ये मत करना टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन मत पूछना वो क्यों पूछोगे पूछोगे पाप हो जाएगा ना सिक्सटीन अपॉन पाई डी का क्यों कॉमन कर लेते हैं अंदर क्या बचेगा यहाँ बचेगा एम प्लस यहाँ क्या बचेगा गलती तो नहीं हुआ हाँ बाई टू ठीक है बाई टू ठीक है ठीक है ठीक है, है, है रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर यू कैन सी दिस डियर सी दिस यू कैन सी दिस सो माई डियर ये क्या है ये क्या है तो सर यह सिगमा वन है तो सिग्मा वन को उसके क्राइटेरिया में तोड़ते हैं तो सिग्मा वाला जो क्राइटेरिया था वो कैसे था देखो सिग्मा वाला क्राइटेरिया 32 से स्टार्ट हो रहा है हो रहा है ना हाँ सर तो सिग्मा वाला क्राइटेरिया सोलह से है तो एक काम करते हैं है। तो क्राइटेरिया बत्तीस वाला तो दो का ऊपर मल्टीप्लाई दो का नीचे डिवाइड कर दे अरे कर दीजिए सर बिल्कुल कर दीजिए दो का मल्टीप्लाई दो का डिवाइड कर दीजिए सर बिल्कुल कर दीजिए तो यहां हो जाएगा बत्तीस ठीक ना यहां आ जाएगा वन बाई टू ब्रैकेट प्लस रूट ठीक है एक्चुअली इसको ब्लॉक बना ये आ जाएगा जी ये क्या है सर दिस इज इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट तो ध्यान से देखिए सिग्मा वन बराबर थर्टी टू एम ई इक्वल एंड बेंडिंग मूवमेंट को क्या कहते हैं एमई डिवाइड बाय वाई डी क्यू और यहां से हम लोग डायामीटर निकाल समझ गए बेटा सब समझ गए एक बार बताओ जल्दी सब समझ गए अस्टाइन तो सारा डिजाइन में ही निकल गया ना यू कैन सी दिस इसको कहते हैं इक्विवेलेंट कुछ लोग क्या करते हैं गलती करते हैं वो सिर्फ इसको इक्विवेलेंट मानते हैं नो नो वन बाई टू भी आता है इक्विवेलेंट में कुछ गलती करते हैं कुछ बच्चे कुछ बच्चे ये तो रट लेते हैं स्क्वायर हाँ, स्क्वायर ये और फिर वो उसके बाद क्या करते हैं कहते हैं प्लस एम इज बेंडिंग नो 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 वन बाई टू ऑफ एम प्लस रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर दिस इज दिन थर्टी टू एम ई इसको कहते हैं हम एम ई इसको कहते हैं हम टीई क्लियर है ठीक है ना और इसके बाद एक और रहेगा डिजाइन ऑफ साफ्ट ये तो अभी हमने किस पे किया बेटा आपने तो अभी खूब ढेर सारा क्या क्या देखा मैं आपको एक बेसिक रूप से समझा देता हूं आपने अभी बेसिकली देखा टॉर्क बेसिस बेंडिंग बेसिस कंबाइंड टॉर्सन एंड बेंडिंग बेसिस यही पढ़ा ना चीज पढ़ी ना बिल्कुल तो मेरे प्यारे भाई अच्छा इसमें एक छोटा सा पॉइंट और आता है जब आपने सर बेस्ड ऑन टॉर्सन किया तो आपने प्योर टॉर्सन लगाया जी सर तो ये बेस्ड ऑन टॉर्सन है टॉर्क है ठीक तो है ना अच्छा ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी उसमें ये आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी क्राइटेरिया अगर आप रिजिडिटी से साफ्ट को डिजाइन करना चाहते हो ठीक है ना मैं आपको यहां लिख देता हूं कंडीशन नंबर फोर डिजाइन ऑफ साफ्ट बेस्ड ऑन रिजिडिटी क्राइटेरिया तो आपके पास इक्वेशन क्या था टी बाई जे बाई आर जी थी टाव बाई रिजिडिटी क्या होता है सर रिजिडिटी तो जी होता है सर जी ही तो होता है रिजिडिटी यस और नो तो अब क्या करेंगे <laughs> एक बार हम टॉर्क के हिसाब से देखें अब इसके हिसाब से देखे? तो हम ये और ये ले लेंगे समझे यहां टी क्या आ जाएगा जी थीटा जी भाई ठीक है so, सो इस हिसाब से आप सॉरी आ, ये आ जाएगा इस थीटा को अगर मैं इधर करूं थीटा जी जे बाई एल इस वाले कंडीशन में आपको ज्यादा से ज्यादा आपको ये वाला फॉर्म लगाना है क्यों क्योंकि बेटा वी नो दिस टी बाई टॉर्सनल स्टीफनेस क्या ये टॉर्सनल स्टीफनेस जिसको हम के थीटा कहते हैं आपको इस वाले फॉर्म में हमेशा गिवन होता है आप समझ जाओगे किसी से करना है अब हाँ कई सारे बच्चे कहते हैं कि हम ये कैसे समझेंगे कि हमें कौन सा क्राइटेरिया लगाना है हमें बेंडिंग लगाना है ट्विस्टिंग लगाना है कंबाइन लगाना है रिजिडिटी लगाना है समझो रिजिडिटी अगर लगाना होगा तो अकेला क्लू है जी दिया होगा क्वेश्चन में क्वेश्चन में जी गिवेन होगा पॉइंट नंबर टू आपको टॉर्सनल स्टीफनेस की बात कर रहा होगा आप ये लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर हैं अगर कंबाइंड दिया होगा तो क्वेश्चन में बेंडिंग मोमेंट एंड टोस्टन दोनों दिया होगा या ऐसी बात चल रही होगी कि यह दोनों आएगा अच्छा अब इसके आगे अगर सिर्फ टोर्सन की बात हो रही होगी तो सिर्फ टी जे टाउ आर यही सब दिया होगा ठीक ना बेंडिंग की बात चल रही होगी तो एम दिया होगा आओ मैं आपको तो दिखाता हूं देखो

टोर्सन ओनली क्लियर क्लियर बेटा बेस्ड ऑन टॉर्सन ओनली इज दर एक बार बताओ एक बार बताओ इज दैट क्लियर ठीक है तो टी वाई जे इज इक्वल टू काम टी आर बाई जे काम एक्स टी आर बाई जे आप आराम से निकालू टॉर्क कहां से निकालू अरे बाबा बहुत आसान है यार पावर टॉर्क इनटू ओमेगा सो पावर टू टॉर्क इनटू ओमेगा टू पाई एन अपॉन टू पाई एन अपॉन सिक्स पावर इज पाई व्हाट इज दू हंड्रेड कम ऑन कैलकुलेटर उठा लो अरे बहुत आसान है देखो टू हंड्रेड से इसको कट करो यहां हंड्रेड आएगा क्या 100 66000 हो जाएगा ठीक है डिवाइड बाय 2 तो, 3000 3000 डिवाइड बाय 3.14 जल्दी बताओ मुझे बताओ तो जल्दी बताओ तो मैं क्वेश्चन को पूरा करना चाहता हूं साफ में सियर स्ट्रेस गिवन है ठीक है ना नाउ इसको हम लोग ने सॉल्व किया था तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं क्या किया था 16t πd का क्यों ठीक ना तो यहां से डाया निकलेगा यू कैन सी दिस वहां से टॉर्क बताओ मुझे जल्दी तो यह क्या होगा मैक्सिमम सीयर फोर्टी टू मेगा पास कर आई थिंक आई थिंक आई थिंक दिस वन इज इन मीटर उसको एम में काउंट करना होगा रुक ऑप्शन जो भी आएगा

954.92. I think. So please put on this. Find the diameter. Diameter is in meter. Now come on. Give me answer. आंसर बहुत आसान है बहुत 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 आसान बहुत आसान, बहुत आसान वेरी वेरी इजी ऐसे ये, वन मेगावाट एट टू फोर्टी आरपीएम टॉर्क निकल जाएगा दा डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ साफ द मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड एक्सीड द मीन टॉर्क मीन टॉर्क से बीस परसेंट ज्यादा हो गया तो मैक्सिमम टॉर्क बराबर ट्वेंटी परसेंट मीन टॉर्क एक्सीड कर गया वन पॉइंट टू ऑफ मीन टॉर्क एक्सीड लिखा है मतलब सर मीन टॉर्क से आएगा अरे दादा मीन टॉर्क ही तो आएगा यहां से टी वाई जे टाउ वाई आर फटाफट आ जाएगा एक मैक्सिम अलेवल स्ट्रेस इज 60 ठीक है निकालो आ जाएगा आंसर कितना आया फोर्टी एट पॉइंट सेवन फोर मीटर में ना एम mm में आया इसको सॉल्व करने पर मीटर में आएगा आंसर क्या यही आया मीटर में कि mm में आया है कितना मीटर है कितना मीटर बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा ये मिलीमीटर में आया है किसमें आया है प्लीज चेक प्लीज चेक ठीक है ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से करो तो। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो जल्दी करो जल्दी करो दिन में तीन बजे थ्री पीएम थ्री पीएम हम आपसे मुलाकात करेंगे थ्री पीएम हम आपसे मुलाकात करेंगे ऑफ मशीन के आज सेकेंड क्लास में मी स्क्रीन शॉट नो जल्दी ना की आपको कल पढ़ाया जाएगा कितने टाइप के की होते हैं देन कपलिंग भी आपको दिखा दिया जाएगा ओके सो डियर इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर दिस गेट एंड यू सी ज्वाइन कर सकते हो प्लस या आईकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना हो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो आलोक लाइव कोड लगाकर तीन महीने का प्लान अभी भी है मेरे पास तीन महीने का प्लान पूरा तैयार है पूरा तैयार है आप जब कहो तब मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हो जाऊंगा तीन महीने का आप अगर पढ़ना चाहते हो अगर अभी भी सिलेक्शन लेना चाहते हो तीन नंबर क्वेश्चन नहीं मिला मैंने दिया हुआ है टाइम ब्रेकर रोक के देख लेना लेकिन आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो हाई वीडियो क्वालिटी सॉल्यूशन आपको मिलेगा बारह महीने अठारह महीने चौबीस महीने का कोई प्लान आप चूज कर सकते हो हमारे साथ जुड़ सकते हो लेकिन आइकॉनिक में भी आप हमारे साथ ऐसे जुड़ सकते हो डियर यू कैन सी दिस प्राइस हाइक होने वाला है शायद एक अक्टूबर से हो भी जाएगा तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए फीस बढ़ने से पहले पहले सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ठीक ना इस मंथ के एंड तक ये प्राइस हाइक होने की सूचना भी आ जाएगी आपको कि एक अक्टूबर से है

ज्वाइन जरूर करिएगा एंड इंजीनियरिंग मैथामेटिक्स आ रहा है आपके लिए जल्द ही स्पेशल क्लास में आर एट टू रामानुजन बैच ठीक है ना एंड थैंक यू सो मच गाइज एंड गाइज एक चीज और बताना चाहूंगा जाने से पहले थ्री पी एम अपनी अगली मुलाकात होगी थ्योरी ऑफ मशीन के सेकेंड क्लास में

और जिस किसी को भी तीन महीने में रैंक लानी है अगर लाना है कुछ करके दिखाना है तो आप अभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं मैं आपको बता सकता हूं कैसे कर सकते हो आप इस चीज को कर लो और बी सीरियस तुरंत ज्वाइन हो जाओ तुरंत पढ़ाई शुरू कर दो ठीक है ना सो टेन इंजॉय बायले सभी को जय हिंद जय भारत